हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल investology.com पे। चलिए दोस्तों, आज की इम्पोर्टेंट और एक्साइटिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, हम आपके लिए लेकर आए हैं और एक डिविडेंड रिलेटेड वीडियो। इस वीडियो में हमने बहुत सारी कंपनियां लगाई है जिन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है डिविडेंड्स की। मई 17 से लेकर 31 मई तक का इन सभी डिविडेंड्स का एग्जीक्यूशन डेट रहने वाला है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि ये सारी कंपनियां टेक्निकली कैसी है, फाइनेंशियली कैसी है, इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, तो कौन सी है कंपनी, एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगी। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखोगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। The first company in the dividend list is Oracle Financial Services Software Limited, जिन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है डिविडेंड की 200 rupees पर शेयर के हिसाब से। एक्सटेट की बात करें तो 17 मई यहाँ पे फिक्स कर दी गई है ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एज एक्सटेट, विच मीन्स 14 मई तक आप इस कंपनी में फ्रेश बाइंग कर सकते हो, निवेश कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अगर आपको ये डिविडेंड अच्छा लग रहा है तो। बट रिमेंबर गाइज, 14 मई विल बी द कट ऑफ डेट टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक। रिकॉर्ड डेट 18 मई का रखा गया है। इफ टॉक अबाउट करंट स्टॉक प्राइस, एंड द प्राइस ऑफ द स्टॉक वॉज 3,750 rupees पर शेयर इन टूडे स्टॉक मार्केट। नाउ दिस प्राइस माइट फ्लक्चुएट अप एंड डाउन, क्योंकि जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं मार्केट लाइव है तो प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं। नाउ लेट्स डू द क्वालिटी चेक अबाउट दिस स्टॉक, एंड सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटली या फाइनेंशियली। जो हम फाइनेंशियली या फंडामेंटली किसी भी स्टॉक को रेटिंग देते हैं, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन द पियट्रोस्की स्कोर, बाकी हम कोई भी चीजें चेक नहीं करते हैं। पियट्रोस्की स्कोर, आपके नॉलेज के लिए मैं ये बताऊंगा, देयर वाज अ वन प्रोफेसर कॉल्ड एज जोसेफ पियट्रोस्की, उन्होंने क्राइटेरिया दिया है विच यू नो gives rating to a particular stock ranging from 0 to 9, 0 being the lowest, 10 9 being the highest. इसके बीच में जो भी रेटिंग आती है बेसिस टू विच वो कंपनी का या वो स्टॉक का फाइनेंशियली वैल्यू या वर्थ निकाली जाती है या वैल्यू स्टॉक्स निकाले जाते हैं। जितनी ज़्यादा रेटिंग हो, जितनी ज़्यादा स्कोर हो, उतना ही कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, जितना कम हो उतना ही वीक है। तो इस कंपनी का जो पियट्रोस्की स्कोर है वो 4 है, बेसिस टू विच इंडिकेट्स वीक फाइनेंशियल्स। नाउ टेक्निकली बात करें तो टेक्निकली हमारे पास 4 पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है बेरिश, दूसरा होता है वेरी बेरिश, तीसरा होता है न्यूट्रल, फोर्थ होता है बुलिश, एंड फिफ्थ होता है वेरी बुलिश। तो बुलिश का मतलब या वेरी बुलिश का मतलब होता है प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बेरिश या वेरी बेरिश का मतलब होता है प्राइसेस नीचे की तरफ जा रहे हैं, न्यूट्रल का मतलब होता है जो इंडिकेटर्स है वो न्यूट्रल दिखा रहे हैं, ना ये स्टॉक ऊपर जा रहा है ना ये स्टॉक नीचे जा रहा है, इट इज ईदर स्टैग्नेंट और मूविंग हियर एंड देयर, दैट्स इट। तो टेक्निकली इस स्टॉक की बात करें तो इट इज वेरी बुलिश, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, प्राइसेस सर्ज हो रहे हैं इस कंपनी में। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 73.26% जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास है, विच इज अ वेरी वेरी गुड साइन। रिमेंबर गाइस, आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग प्रमोटर होल्डिंग अगर ज्यादा है तो ये सारे कॉर्पोरेट एक्शंस जो है, स्प्लिट है, बोनस इशू है, डिविडेंड्स है, कंसोलिडेशन है, राइट्स इशू है, स्पिन ऑफ है, या बहुत और भी बहुत सारी चीजें है, वो कंपनी ज्यादा करती है क्योंकि फायदा डायरेक्टली प्रमोटर्स को होता है। नेक्स्ट कंपनी इन द डिविडेंड लिस्ट इज कैपलिन पॉइंट लेबोरेटरीज लिमिटेड, जिन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दी है डिविडेंड की 1.50 rupees पर शेयर के हिसाब से। एक्सटेट 18 मई का रखा गया है। लास्ट डेट टू बाय द स्टॉक इज 17 मई। रिकॉर्ड डेट 19 मई का रखा गया है। इफ यू टॉक अबाउट करंट स्टॉक प्राइस, देन द प्राइस ऑफ द स्टॉक वॉज 577 rupees पर शेयर। अब लेट्स डू द क्वालिटी चेक। फंडामेंटली दिस कंपनी इज वीक, 4 है इसका पियट्रोस्की स्कोर। टेक्निकली दिस कंपनी इज वेरी वेरी बुलिश एंड द प्राइसेज आर सर्जिंग। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 69.03% प्रमोटर होल्डिंग है। नेक्स्ट कंपनी इज कोफोर्ज लिमिटेड, जिन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है डिविडेंड की 13 rupees पर शेयर के हिसाब से। एक्सटेट की बात करें तो 18 मई यहाँ पे फिक्स कर दी गई है ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एज एक्सटेट, विच मीन 17 मई तक आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। रिकॉर्ड डेट 19 मई का रखा गया है। इफ वी टॉक अबाउट करंट स्टॉक प्राइस, द प्राइस ऑफ द स्टॉक वॉज 3,425 rupees पर शेयर इन टूडेज मार्केट।
क्वालिटी चेक्स की बात करें तो फंडामेंटली दिस कंपनी हैज़ वीक फाइनेंशियल्स, 4 है इसका पियट्रोस की स्कोर, टेक्निकली कंपनी वेरी बुलिश है, शेयर होल्डिंग की बात करें तो 63.99% जो है वो प्रमोटर होल्डिंग है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। नेक्स्ट कंपनी इज सुंदरम फास्टनर्स लिमिटेड, जिन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दी है डिविडेंड की 3.40 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। एक्सटेट की बात करें तो 18 मई यहां पे फिक्स कर दी गई है ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एज एक्सटेट, विच मीन 17 मई तक आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। रिकॉर्ड डेट की बात करें तो 19 मई यहां पे फिक्स कर दी गई है। करंट स्टॉक प्राइस इज 706 रुपीज पर शेयर इन टूडेज मार्केट, एंड इफ यू कंपेयर दिस प्राइस विद द अमाउंट ऑफ डिविडेंड, आई वुड से इट्स अ गुड डिविडेंड। क्वालिटी चेक्स की बात करें तो फंडामेंटली एवरेज फाइनेंशियल्स यहां पे देखने को मिल सकते हैं आपको, 6 है इस स्टॉक का पियट्रोस की स्कोर। टेक्निकली दिस कंपनी इज इन न्यूट्रल रेंज, प्राइसेस ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, इट इज ईदर स्टैग्नेंट या मूविंग हेयर एंड देयर, नॉट मच। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 49.53% प्रमोटर होल्डिंग है। नेक्स्ट कंपनी इज विसाखा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दी है डिविडेंड की 10 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। एक्सटेट की बात करें तो 18 मई यहां पे फिक्स कर दी गई है ऑर्गेनाइजेशन की ओर से, विच मीन 17 मई तक आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। रिकॉर्ड डेट अभी तक कंपनी ने डिस्क्लोज किया नहीं है, जैसे ही हमें पता चलता है हम आपको जरूर बताएंगे। इफ यू टॉक अबाउट करंट स्टॉक प्राइस, एंड द प्राइस ऑफ द स्टॉक वॉज 615 रुपीज पर शेयर इन टूडेज मार्केट, एंड इफ यू कंपेयर दिस प्राइस विद द अमाउंट ऑफ डिविडेंड, आई वुड से इट्स अ वेरी वेरी very 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 good dividend, and you can go for it in on the basis of dividend. Quality checks ki baat kare to fundamentally this company is weak, 3 hai iska Piotrowski score. Technically this company is in very bullish range, prices iske bahut zyada surge ho rahe hai because of the dividend announcement, kyunki dividend announcement bahut acha ho chuka hai. Shareholding होल्डिंग की बात करें तो 45.85% जो है वो प्रमोटर होल्डिंग है इस कंपनी की। नेक्स्ट कंपनी इज एबीबी पावर प्रोडक्ट्स एंड सिस्टम्स लिमिटेड, जिन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दी है डिविडेंड की 2 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। एक्सटेट की बात करें तो 19 मई यहां पे फिक्स कर दी गई है ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एज एक्सटेट, विच मीन्स लास्ट डेट टू बाय दिस स्टॉक इज 18 मई। रिकॉर्ड डेट अभी तक डिस्क्लोज किया नहीं है। करंट स्टॉक प्राइस इज 1719 रुपीज पर शेयर। इफ यू कंपेयर दिस प्राइस विद द अमाउंट ऑफ डिविडेंड, आई वुड से इट्स अ नथिंग डिविडेंड। क्वालिटी चेक्स की बात करें तो फाइनेंशियली दिस कंपनी इज वीक फाइनेंशियली, पियट्रोस की स्कोर 3 है, टेक्निकली इट इज इन वेरी बुलिश रेंज। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 75% प्रमोटर होल्डिंग है, विच इज अ वेरी गुड परसेंटेज दैट अ प्रमोटर्स कैन होल्ड। नेक्स्ट कंपनी इज एवेंटल लिमिटेड, जिन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दी है डिविडेंड की 4 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। एक्सटेट की बात करें तो 27 मई का यहां पे रखा गया है। लास्ट डेट टू बाय द स्टॉक इज 26 मई। रिकॉर्ड डेट अभी तक डिस्क्लोज किया नहीं है। करंट स्टॉक प्राइस इज 435 रुपीज पर शेयर, एंड इफ यू कंपेयर दिस प्राइस विद द डिविडेंड, इट्स अ गुड डिविडेंड। क्वालिटी चेक्स की बात करें तो फंडामेंटली दिस कंपनी हैज वीक फाइनेंशियल्स, 4 है इसका पियट्रोस्की स्कोर, टेक्निकली इट इज इन वेरी बुलिश रेंज, इसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 40.36% जो है वो होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास है। अगली कंपनी है सिग्निटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दी है डिविडेंड की 2.50 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। 27 मई का रखा गया है एक्सटेट। लास्ट डेट टू बाय दिस स्टॉक इज 26 मई। रिकॉर्ड डेट 28 मई का है। करंट स्टॉक प्राइस इज 367 रुपीज पर शेयर इन टूडेज मार्केट, एंड इफ यू कंपेयर दिस प्राइस विद द अमाउंट ऑफ डिविडेंड, आई वुड से इट्स अ गुड डिविडेंड। क्वालिटी चेक्स की बात करें तो वीक फाइनेंशियल्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। 4 है इसका पियट्रोस की स्कोर, बेरिश है ये, यू नो टेक्निकली इट इज इन बेरिश रेंज, नीचे की तरफ इसके प्राइसेस जा रहे हैं। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 37.23% प्रमोटर होल्डिंग है, नॉट मच बट सिग्निफिकेंट अमाउंट है। नेक्स्ट कंपनी इज जेएम फाइनेंशियल्स लिमिटेड, जिन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दी है डिविडेंड की 0.50 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। 28 मई का एक्सटेट रखा गया है। 27 मई का लास्ट डेट बाय रखा है। रिकॉर्ड डेट अभी तक डिस्क्लोज किया नहीं है। बात अगर करें करंट स्टॉक प्राइस की तो प्राइस ऑफ द स्टॉक वाज 80 रुपीज पर शेयर इन टुडेज मार्केट। क्वालिटी चेक्स की बात करें तो फाइनेंशियली इट इज वीक फाइनेंशियली, 4 है इसका पियट्रोस की स्कोर, टेक्निकली इट्स इन बेरिश रेंज, नीचे की तरफ प्राइसेस जा रहे हैं। शेयर होल्डिंग 54.79% है। नेक्स्ट कंपनी इज टाटा कॉफी लिमिटेड, जिन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दी है डिविडेंड की 1.50 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। एक्सटेट 28 मई का रखा गया है। लास्ट डेट टू बाय द स्टॉक इज 27 मई। रिकॉर्ड डेट अभी तक डिस्क्लोज किया नहीं है। करंट स्टॉक प्राइस इज 173 रुपीज पर शेयर। इफ यू कंपेयर दिस प्राइस विद द अमाउंट ऑफ डिविडेंड, आई वुड से इट्स अ गुड डिविडेंड। क्वालिटी चेक्स की बात करें तो यहाँ पे फाइनेंशियली दिस कंपनी इज स्ट्रॉन्ग,
फाइनेंशियल्स है इसके एंड 7 है इसका पियर्टॉस की स्कोर. टेक्निकली दिस कंपनी इज इन वेरी बुलिश रेंज, प्राइसेस ऊपर की तरफ भाग रहे हैं. शेयर होल्डिंग की बात करें तो 57.48% प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि बहुत अच्छी चीज है. नेक्स्ट कंपनी इज हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दी है डिविडेंड की 23 रुपीज पर शेयर के हिसाब से. स्टेट की बात करें तो 31 मई की यहाँ पे फिक्स कर दी गई है ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एज स्टेट, विच मीन 28 मई तक आप इस कंपनी में फ्रेश बाइंग कर सकते हो. रिकॉर्ड डेट 1 जून की रखी गई है. करंट स्टॉक प्राइस वॉज 2460 रुपीज पर शेयर इन टूडेज मार्केट. क्वालिटी चेक्स की बात करें तो वीक फाइनेंशियल्स यहाँ पे दिखने को मिल रहे हैं. पियर्ट्रॉस की स्कोर सिर्फ और सिर्फ 2 है. टेक्निकली दिस इज इन बेयरिश रेंज, प्राइसेस नीचे की तरफ भाग रहे हैं. शेयर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग 0 है, नथिंग, तो विच इज नॉट अ गुड साइन अबाउट एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट कंपनी इज इन्फोसिस लिमिटेड, जिन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दी है डिविडेंड की 15 रुपीज पर शेयर के हिसाब से. एक्सटेट 31 मई की रखी गई है, विच मीन्स 28 मई तक आप इस कंपनी में फ्रेश बाइंग कर सकते हो अगर आपको ये डिविडेंड अच्छा लग रहा है तो. रिकॉर्ड डेट 1 जून की रखी गई है. करंट स्टॉक प्राइस इज 1330 रुपीज पर शेयर इन टूडेज मार्केट. एंड इफ यू कंपेयर दिस प्राइस विद द अमाउंट ऑफ डिविडेंड, आई वुड से इट्स अ वेरी गुड डिविडेंड. क्वालिटी चेक्स की बात करें तो फंडामेंटली इट हैज एवरेज फाइनेंशियल्स, 5 है इसका पियर्ट्रॉस की स्कोर. टेक्निकली इट इज राइट नाउ इन बेयरिश रेंज, प्राइसेस थोड़े से नीचे आ रहे हैं. शेयर होल्डिंग की बात करें तो शेयर होल्डिंग ज्यादा नहीं है, 12.95% है इनका प्रमोटर होल्डिंग. बट रिमेंबर गाइज, इतना कम प्रमोटर होल्डिंग के बावजूद दिस कंपनी इज गिविंग कंसिस्टेंट डिविडेंड. आई एम पर्टिकुलरली यू नो प्रमोटिंग दिस कंपनी बिकॉज मैं खुद भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता हूं. मेरे लिए ये कंपनी बहुत ही जबरदस्त है, इसके हर पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं एंड यू कैन गो फॉर दिस कंपनी ब्लाइंडली.